नमस्कारम YouTube फैमिली, वेलकम टू माय YouTube चैनल एंड इन माय न्यू ब्लॉग। सो यार टुडे आई एम इन कोचीन। कोचीन मैं आया था अपने बेस ट्रांसफर के बाद, और ये जो घर है ना, ये भी हमने अपने बेस ट्रांसफर के बाद लिया था। क्योंकि यार क्योंकि गोयर में मेरी पहली जॉब है, फर्स्ट जॉब है यहाँ पे, और जब हमारी पूरी सारी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो हमें आफ्टर रिलीज, जब हम विदाउट सेफ्टी ट्रेनिंग के बाद और सेफ्टी वेफ्टी सब कुछ खत्म होने के बाद जब रिलीज हो जाते हैं ना, इंडिपेंडेंट एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं एज अ को पायलट, एज अ फर्स्ट ऑफिसर, तब उसके बाद ज्यादातर कंपनीज की ये पॉलिसी है कि बेस ट्रांसफर करते हैं। तो मेरा होम बेस जो था, मेरा ट्रेनिंग बेस था, वो था दिल्ली, और फिर उसके बाद मेरे को बेस ट्रांसफर मिला यहाँ पे कोचीन में, केरला में, काफी दूर अपने घर से। कुछ लकी लोग थे जिनको दिल्ली ही मिल गया, दिल्ली के ही थे, पर हमारी किस्मत ऐसी नहीं है भाई। तो हमें मिला था कोचीन, और मेरे सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे तीन दोस्तों को भी मेरे साथ यहाँ पे कोचीन में ना बेस ट्रांसफर हुआ था, जो दिल्ली में थे, मेरे बैचमेट्स हैं। तो इस वजह से मेरा टाइम सही से कट जाता है, मन भी लग जाता है, अगर यहाँ वो लोग होते हैं तो। आज मैं अकेला हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ से फ्लाइटें हो गई हैं बहुत कम। अभी कोविड के टाइम पे अच्छी थी, क्योंकि बबल फ्लाइट्स हम कर रहे थे, और दिन की दो दो फ्लाइट भी थी, एक दिन में दो डिपार्चर थे, तो हफ्ते में डेली थी वो फ्लाइट, तो फ्लाइटें अच्छी मिल रही थी। अभी क्या है, यहाँ से फ्लाइट कम है, तो मे बी इंक्रीज होगी धीरे धीरे। तो यार आज अकेला हूँ तो मेरे को खाना भी बनाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि खाने में यार मेरे को ज्यादा कुछ बनाना आता नहीं है, तो मैं बना लेता हूँ, लगभग ऑमलेट बना लेता हूँ, स्प्राउट्स बनाने में क्या है, जब भिगोने पड़ते हैं तो, और यार मैगी भी बना लेता हूँ, सबको आती होगी यहाँ पे। पर ठीक है यार, थोड़ी बहुत कुकिंग आती है मेरे को, जैसे चावल और छोले वगैरह भी, दाल भी बना लेता हूँ काम चलाओ। तो मेरा मतलब ये है कि बाहर से, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और यहाँ केरला में ना नॉन वेज का ज़्यादा ट्रेंड है, नॉन वेज तो मैं खाता नहीं हूँ अंडे के अलावा, तो मेरे को यार बनाना ही पड़ता है खुद से, क्योंकि यहाँ ना टेस्ट भी थोड़ा सा अलग है, टेस्ट मेरे को मतलब मज़ा नहीं आता। जो हमारे नॉर्थ इंडियन मसाले होते हैं ना, तो यहाँ के मसालों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना खाना खुद ही बनाता हूँ, तो अभी मैं ऑमलेट बनाऊंगा अपने लिए, और उसके बाद लंच के लिए मेरे पास पूरा स्टॉक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेके आया था थोड़ा सा, मतलब मेरे पास कल जब मैं होटल में था ना, मैंने पैक करा लिया था वो डोनट्स वगैरह, क्योंकि मेरे को लंच में ज़्यादा कुछ खाना नहीं है, शाम को थोड़ा हैवी डिनर कर लूँगा, तो डोनट्स वगैरह हैं और कुछ ब्रेड्स हैं, तो वही उसी से काम चला लेंगे। हाँ मेरे पास वो भी रखा है, नूडल्स भी रखे हैं, उसमें कुछ गर्म पानी डालना है, तो नूडल्स रेडी हो जाएंगे, ख़त्म आज का। तो यार अभी मेरे को बनाना है क्या ऑमलेट, तो आप मेरे साथ बनवाओगे या मैं अकेला बना लूँ? चलो तो यार ऑमलेट बनाते साथ में, अभी मैं जा रहा हूँ अपनी किचन में। और हाँ यार सुन, बहुत जल्दी मेरा ये जो घर है ना, इसका मैं होम टूर भी कराऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। घर काफ़ी अच्छा है, हमने थोड़ा गंदा कर रखा है, क्योंकि यहाँ रहते तो है नहीं यहाँ, और पूरा ना फुली वेंटिलेटेड घर है ये। तो अभी मैं किचन में आ गया हूँ, बस मेरे को पूरा सामान निकालना है, तो आप थोड़ी देर वेट करिए। सबसे पहले मेरे को लेना होगा फ्राई पैन, और फ्राई पैन मोहसिन साहब ने, मेरे दोस्त ने, ये यहाँ पे दो उठा के अच्छे से रख रखे। देख थोड़ी सी अंधेरे में बन रही है वीडियो, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना फ्राई पैन। और ये गैस, जब मैं शुरू में आया था ना मेरे घर में, तो नॉर्मल वाली गैस है ये जो, तो मेरे को चलानी नहीं आती थी, तो मेरे दोस्त ने मेरे को सिखाया भाई ऐसे, और मतलब जब घर से भी जाओ तो पूरा बंद करके जाओ। और वो रखे गया था, अरे यार अंडे, देसी घी घर से लेके आया था भाई, तो ये जाएगा दबा के, क्योंकि इससे कुछ होता तो है नहीं, फायदा ही करेगा कुछ ना कुछ। क्या है कि अभी तो मेरे को खुद को बनानी पड़ रही है, लेकिन जब मेरा दोस्त होता है ना, तो जब भी मैं जाता हूँ फ्लाइट पे, जब भी मेरी सुबह जल्दी फ्लाइट होती है कभी भी, तो भाई बेचारा ना मेरे लिए ऑमलेट बनाता है, उसको लगता है कि मेरे को कुकिंग नहीं आती है। एक्चुअली मैं आती भी नहीं है, ये ऑमलेट मजबूरी में बना रहा हूँ, अगर वो होता
तो बना देता। वैसे भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में अगर आपको याद हो ना तो उसके बारे में बोला था कि यार उसने कोई ऑमलेट नहीं बनाई, भाई बहुत ताने दिए थे उसने मेरे को इस बात, और अभी भी ना इस वाली वीडियो के लिए भी फोन आएगा उसका 101% के साले तू हर बात बोल देता है। तो अभी मेरी ऑमलेट हो गई बिल्कुल रेडी, खा लेता हूँ क्योंकि गर्म गर्म है, ठंडी हो जाएगी तो पूरी मेहनत पे पानी गिर जाएगा। और वैसे भी ना कोचिंग में थोड़ी ना वो चिपचिपी सी गर्मी हो रखी है क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, मानसून भी आ गया है तो गर्मी अब थोड़ी वैसी बढ़ेगी, लेकिन एक दो बारिश और हो जाएगी ना तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ का। तो भाई ब्रेकफास्ट करके मैंने थोड़ा सा किया था आराम, और अभी मैं अपनी ना ये लॉग बुक भरूंगा। वैसे तो इसे मेंटेन करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इजी सी है ना, एक मतलब इन्होंने एप्लीकेशन बनाई, एक साइट है उस पर हमें अपने सारे जो आर्स जो हम फ्लाई करते हैं ना वो वहाँ पे अपलोड करने होते हैं, तो वहाँ पे करने जरूरी है, यहाँ पे नहीं। पर फिर भी मैं ये अपनी लॉग बुक मेंटेन करता हूँ क्योंकि मैं क्या करता हूँ, इस वाली लॉग बुक में अपने घंटे लिखता हूँ और फिर इस वाली लॉग बुक से वहाँ पे फिल करता हूँ ऑनलाइन, तो वो मेरे लिए ईजी होता है। बहुत से लोग, कई एप्लीकेशन चल रही हैं जो डायरेक्टली हमारे आर्म्स से, आर्म्स क्या होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट कौन सी कब है, मतलब बेसिकली रोस्टर, रोस्टर का हमें पता चलता है हमारी उस वाली एप्लीकेशन से, आर्म्स से, तो वहाँ से डायरेक्ट ले लेती हैं वो एप्लीकेशन, तो पर मैं यूज़ नहीं करता, पेड है और मैं डायरेक्टली यहाँ से फिल करता हूँ। तो अभी मैं ये लॉग बुक भर रहा हूँ और इसमें जो डिटेल्स है ना यार, इसमें डिटेल्स होती हैं कि कौन सी तारीख को कब हमने फ्लाई किया है, कौन सा जहाज़ फ्लाई किया है, मल्टी इंजन था सिंगल इंजन था, और जहाज़ का रजिस्ट्रेशन क्या था, पायलट इन कमांड का नाम, मेरा नाम एंड डेस्टिनेशन, और ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, तो फ्रॉम और टू भी होता है जैसे दिल्ली से मुंबई थी फ्लाइट, टाइम था, टाइम होता है इसमें यूटीसी में, काम वाला काम है, वैसे ज़्यादा कोई बड़ा काम भी नहीं है पर यार करने का टाइम नहीं मिलता मेरे साथ ही। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी पायलट, जो भी पायलट्स होंगे ना उनको इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे को भी सेम इरिटेशन होती है यार ये लॉग बुक भरना ये करना, ऐसा कोई जुगाड़ बने DGCA, ऐसा कोई जुगाड़ बनाए एटलीस्ट कि अपने आप ही डायरेक्ट ले ले यार हमारे आम से ही। तो ये जरूरी काम अभी मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत और खाने के लिए बनाऊंगा, बाहर मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वेदर ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, लगभग मुझे लगता है बारिश बुरिश होगी। अभी होगी रात और आज के सारे पेंडिंग काम मैंने अभी तक के सारे निपटा लिए हैं अपने, और शाम का खाना भी मैंने बना लिया है, खा लिया है, अभी बस मेरे को सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेके आना मार्केट से, तो मैं जाऊँगा पैदल पैदल यहाँ से, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, किलोमीटर भी नहीं होगा, 600-700 होगा, 700-800 मीटर पैदल जाऊंगा, थोड़ा सा वॉक करके और सामान भी ले आऊंगा, तो मेरा आज का भी ख़त्म हो जाएगा काम, पूरा फिट हो जाऊंगा, और सुबह फिर मेरी फ़्लाइट है सेम बैंगलोर, वो वाली ऑपरेट करूंगा। तो सेम अभी रूटीन मेरा चल रहा है लाइक पिछले 6-7 दिन से। तो दोस्तों कुछ लोगों के मेरे को कमेंट आ रहे थे कि कुछ एविएशन से रिलेटेड बताओ यार, तो एक्चुअली मैं पहले वही वीडियोस बना रहा था, और अभी भी ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाऊंगा, अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन दिस चैनल, और कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, अदरवाइज अगर होगा तो मैं इस वाली व्लॉगिंग वाली वीडियोस में ही दिखा दूंगा, नहीं तो मैं अलग से कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है शॉर्ट नहीं तो फुल वीडियो बनाऊंगा और थोड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में, तो मेरे को पूछो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। ऐसी बात नहीं है कि मैं व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दिया तो वो पूरा सारा भूल गया, आप लोगों की बिल्कुल हेल्प होगी, जो भी आप पूछोगे आपको बताया जाएगा इस चैनल पे, पर पूछना पड़ेगा यार। और मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी नया अमेंड हुआ है, कोई भी नई चीज़ें आई हैं तो मुझे लगता है कि वो बतानी चाहिए आप लोगों को, तो मैं भाई ज़रूर बताऊंगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लो आप। तो आज का ये व्लॉग यार मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और लाइक कर देना यार, अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हो ना, थोड़ा सा मतलब मोटिवेट होता हूँ मैं उन कमेंट से कि और वीडियोस और अपने चैनल पे मेहनत करी जाए, तो यार लाइक तो बनता है और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो यार आज का व्लॉग यहीं ख़त्म, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में जल्दी ही, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट।